क्योंकि मिट्टी ना आंख में जाए चली जाएगी। लास्ट में आया था आंखों में चली गई थी, बहुत देर तक ऐसे उछालो मत, ऐसे आप लेट गए इसमें कूदो कुछ भी करो, दूसरे फल अपने आप में लेगा बंदा, ठीक है ऐसे मत करो, सहते मत। हरे कृष्णा कृष्ण
ताली बजाओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। लंबा हाथ करो, थोड़ा हंसो, आ हा हा, ऐसा नहीं, थोड़ा जोर से हंसो। देखो आश्रम की थोड़ी मर्यादा है, मैं आपको खड़े खड़े दो मिनट में यहाँ के बारे में बताऊंगा। मर्यादा का सब लोग पालन करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। देखो ये स्थान है रमन रेती, यहाँ कृष्ण गोकुल से रोजाना गाय चराने आते थे। और इस ब्रज रज में, ये मिट्टी नहीं है, बालू नहीं है, इस रज में, ये ब्रज रज है, इस रज में भगवान श्री कृष्ण रोजाना खेलते थे। हमारे ब्रज में खेलने को रमण कहते हैं, तो यहाँ ठाकुर जी को रमण बिहारी, जगह को रमण रेती बोला जाता है। रमण रेत लोटो नहीं कियो न यमुना पान, और हे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। नर का मतलब क्या होता है? मनुष्य। तो जो भक्तियां संसार में आते हैं, और संसार में आने के बाद में जब भी इस पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास महीने में वृंदावन धाम में आते हैं, यमुना मैया के जल का पान नहीं करते और यहाँ के लोट लोट नहीं करते, तो उनको वृंदावन में आने का फल नहीं मिलता है। यहाँ रमण रेती में आने का सबसे विशेष महत्व क्या है?
आपने सुना होगा कुंती का बेटा हुआ कर्ण, जो कि अपने घर में सोने का दान करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो वैकुंठ को गए, सोना खाने को, सोना पीने को, सोना पहनने को मिला। गोपाल ने कन्हैया ने 16 दिन का समय दिया तो ये धाम में आके 16 दिन 16 प्रकार का दान किया। सबसे विशेष और सबसे पौराणिक सबसे बड़ा दान किया अन्नदान। अन्नदान करके वैकुंठ गए तब अन्न खाने को मिला। 16 दिन घर में आते हैं श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्धों में हर प्राणी घर में ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं। पुरुषोत्तम मास का इंतजार करते हैं तो वृंदावन धाम में आते हैं, यहाँ रमण रहती गोलोक धाम में आकर अपने पितरों के लिए अन्न का दान करते हैं तो यहाँ का दान उनके पूर्वजों को वैकुंठ में मिलता है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे वृंदावन धाम में हम लोग आए तो हमारे माता पिता को भी वृंदावन धाम में यात्रा करने का फल मिले। तो चलेंगे वृंदावन धाम और करेंगे माता पिता का मर नाम। तो माता पिता के पितरों के मुक्ति मोक्ष कल्याण के लिए इस ब्रज रज में अपने पितरों के लिए अन्न का दान किया जाता है। जो भक्त लोग जानते हैं घर से लाते, नहीं जानते यथाशक्ति ब्रजवासियों को दक्षिणा देते हैं। इधर कोई गाइड नहीं, पंडा नहीं, 5 ब्रजवासी हम रहते हैं। आपका भोजन गोपाल का भजन करते हैं। कोई अपने नाम से 1 खिलाता है, कोई माता पिता के नाम से 2 खिलाता है, कोई अपनी बिग फैमिली के नाम से 5 खिलाता है। एक ब्रजवासी को यथाशक्ति लड्डू पूड़ी का भोजन खिलाते हैं, उनका 101 रुपया खर्चा होता है। ऐसा हाथ करो सब लोग, ऐसा हाथ करिए और सभी लोग प्रेम से बोलो हे कृष्ण।